हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपकी रहने वाली है। यहाँ पर हम SSC, MPI, GD अन्य एग्जाम जो हैं आपके आने वाले सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। 25 प्लस क्वेश्चन होंगे, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। करंट प्लस स्ट्रेटेजी के हम डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। कई सारे नए बैचेस स्टार्ट आपके किए जा रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी पर। SSC, MPI, GD के लिए भी अलग से बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं और भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है। SSC का कंप्लीट कोर्स आपको घर बैठे मिलने वाला है, पूरे नोट्स के साथ, डाउट सेशन के साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे अनअकैडमी प्लस पर। तो ज्वाइन कर सकते हैं, फुल ईयर ड्यूरेशन के कई सारे बैचेस नए स्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें अभी आप एनरोल कर सकते हैं, कई सारे नए फीचर भी मिलेंगे। और फिलहाल चल रहा है भी आपका अगस्त ऑफर अनअकैडमी का। तो यहाँ पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 3 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी और 2 ईयर पर आपको 6 मंथ की एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। और CET का ऑफर चल रहा है यहाँ पर, SSC बैंक कॉम्बो आपका ये पर रहने वाला है। इसमें बहुत ही अच्छा ऑफर रहेगा आपका, इसमें 2 ईयर पर आपका 12 मंथ एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। तो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा भाई और यूज करिएगा SP स्टडी कोड, तो महज आप 7000 में सब्सक्राइब कर पाएंगे अनअकैडमी प्लस को 2 ईयर के लिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं अभी। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। रवि, सागर, दीप, श्री, आर्यन, सभी का स्वागत है सेशन में। बिल्कुल क्लास आपकी हो चुकी है स्टार्ट, तो फटाफट से आप सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब करना भाई अनअकैडमी प्लस को। यहाँ पर कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, कंप्लीट कोर्सेज मिलने वाले हैं। और अभी संडे चलता है आपका SSC कॉम्बैक, जहां पर आप अच्छी चीजें जीत सकते हैं। काफी रैंक अगर आपके अच्छी आती है तो कई सारे प्राइजेस यहाँ पर आप जीत सकते हैं, ठीक है। और डेली रात को 9 बजे चलती है, कई सारे लोग जुड़ते हैं भाई। यहाँ पर आपका 9 PM अनअकैडमी पर फ्री सेशन चलता है, अभी मेरा फ्री क्लास रहती है। कल आपके 11 अगस्त को जो है डबल सेशन रहेगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए जिन लोगों के पास नहीं है, और यूज करिएगा इस कोड को। फर्स्ट टाइम सभी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए SP स्टडी कोड का इस्तेमाल करें आप लोग। चलिए, स्टार्ट कर दी है। वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सेशन में, सभी का स्वागत है भाई। तो पहले कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जब तक इनका आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है आंसर हमारा क्या होना चाहिए इसका। चलिए सभी उत्तर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। कल नाइट में पढ़ा था हमने इस क्वेश्चन के बारे में, तो आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन जो बी पर दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है भाई। जो ऑप्शन आपका बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। कब जीतते हैं भाई आपका ये 2008 में, कब 2008 में कौन से ओलंपिक रहते हैं भाई आपके यहाँ पर? अगर आपसे पूछ लिया भाई कौन से ओलंपिक में आपके जीतते हैं, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग में जीतते हैं भाई, ठीक है। निशानेबाजी में आपका ये जीतते हैं। इनके बाद आप नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, तो व्यक्तिगत बात करेंगे तो दूसरा गोल्ड मेडल है भारत का भाई यहाँ पर आपका जेवलिन थ्रो में, ये रहेगा पहला और वैसे आपका दूसरा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कई बार किस प्रकार पूछा जाता है अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, गब्बर जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पहला, यहाँ पर ना तो हम गोल्ड की बात करें ना सिल्वर की बात करें, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्तिगत मेडल, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल के विजेता कौन रहे होंगे। क्या पूछा जाए अगर आपसे कि भाई पहला फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आपसे पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन होंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे 1952 में। यहाँ पर भाई ब्रॉन्ज मेडल जीतने हैं कौन, KD यादव जी, इनके नाम पर दिल्ली का स्टेडियम भी है। तो KD यादव जी पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल आर्यन कौन हो जाएंगे, KD यादव जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं, 1952 में जीतते हैं भाई आपका ब्रॉन्ज मेडल, और पहला आपका फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट हो जाएंगे वो KD यादव 1952। अब तक भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी है भाई, 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल है, कितनी है 10 है, 8 तो हमें हॉकी दे चुकी है भाई 1980 तक ही, और 2 हमारे पास ये हो गए, ठीक है। चलिए 2 की ओर बढ़ेंगे, 2 का आंसर देख लीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुके हैं भाई आपके, यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, कौन सी कंट्री रही है जिसने आपका सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार, दीजिएगा आंसर। गोलू जी वेरी गुड मॉर्निंग, सेशन को एक बार लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी लोग, जल्दी से क्या करेंगे लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे सभी, फिर हम यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी भी आज की। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर हम। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर?
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। राइट आंसर यूएस हो जाएगा भाई। यहाँ पर कितने टोटल आपके 39 गोल्ड उठाता है भाई आपका यूएस, इस बार टोटल कितने 39 गोल्ड जीतता है। वहीं चाइना की बात करेंगे टोटल आपके 38 गोल्ड रहते हैं। वहीं जापान तीसरे स्थान पर रहता है। भारत की रैंकिंग रहती है टोटल 7 अवार्ड के साथ, एक गोल्ड के साथ 48वें स्थान पर भारत रहता है अभी। ठीक है, भारत कितने केवल 7 यहाँ पर जीत पाता है, 48वें स्थान पर रहता है 7 मेडल के साथ, जिसमें 2 सिल्वर 1 गोल्ड और आपके बाकी के ब्रॉन्ज रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉप पे आपका अमेरिका है टोटल आपका 113 पदकों के साथ, चीन आपका पदक में दूसरे स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। 3 का आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर भी फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में। भारतीय सेना ने सांतिर ओग्रो सेना 2021 नामक एक सैन्य अभ्यास में भाग लेंगी, तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? थोड़ा सा नाम से कनेक्ट कर पा रहे हैं भी, कहां का हो सकता है ये? नाम से कनेक्ट कर सकते हैं ना इसको, नाम कहां का लग रहा है, किस लैंग्वेज का लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपका? सांतिर ओग्रो सेना किस लैंग्वेज का हो सकता है? एक बार सेशन को लाइक कर दें सभी लोग, जिससे और लोग भी जुड़ते हैं, हेल्प होती है सेशन दूसरे लोगों तक पहुंचता है सेशन में, अगर लाइक अच्छी होती है तो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बिल्कुल लैंग्वेज हम कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसके थ्रू हमारा आंसर हो जाएगा। हमको नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा, फिर भी हम थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा बांग्लादेश। ठीक है भाई, तो ये बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है, इसके साथ भारत के साथ साथ आपका भूटान श्रीलंका भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भारत के साथ भूटान और श्रीलंका भी इसमें आपके शामिल रहे थे, याद रखिएगा। बिल्कुल, तो भाई ये आपका कब से कब तक चला था? 4 से 12 अप्रैल 2021। ठीक है, 4 से 12 अप्रैल 2021 के मध्य आपका ये चलता है और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो सी पर आपका दिया गया है। बिल्कुल 4 से 12 अप्रैल के मध्य चलता है, भारत भूटान श्रीलंका ये सारे शामिल होते हैं कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, किस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने चीन के साथ व्यापार का अपना मोनोपोली यानी कि एकाधिकार जो है समाप्त उसका हो जाता है, एकाधिकार यहां पर खो देता है, तो कौन सा आपका चार्टर्ड एक्ट रहा था इनमें से वो आपको बताना है। ठीक है, दीजिए आंसर। चलिए सभी उत्तर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। और भाई सेशन को एक बार लाइक कर दें आप सभी लोग, 15 लोग जुड़े हुए हैं, काफी कम लाइक है, 4-5 फटाफट लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है, यानी कि एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन आपका ये वाला, तो 1833 इसका अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा चार्टर्ड एक्ट रहता है आपका यहाँ पर 1833? इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका कंपनी जो रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आपका मंजूरी मिलती है 20 वर्ष और आपका शासन करने की, 20 ईयर और एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वहां की जो आपकी सत्ता रहती है ब्रिटिश की, तो वहां से आपका मंजूरी बढ़वानी पड़ती है, कंपनी की तरह आती है भाई। इस कंपनी में मुख्य रूप से आपका व्यापारियों ने स्टार्ट करी थी, लेकिन यहाँ पर अगर स्थिति देखी तो शासन करने का मन आया और यहाँ पर शासन करना उनके लिए उस समय आसान हो गया और शासन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आते ये किसके लिए? व्यापार के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 ईयर का एक्सटेंड भी मिलता है 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, साथ ही आपका यहाँ पर चीन के साथ जो व्यापार की मोनोपोली थी उसको भी समाप्त किया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अभी। चलिए काफी लोगों का आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी, बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या होगा आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप सभी, 5 करेंगे अब आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी अच्छा है। अच्छा, जो टेहरी बांध है किस नदी पर, एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो उत्तराखंड का जो आपका टेहरी डैम है इसकी बात करी जा रही है, किसके द्वारा यहां पर वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया गया है, जो कि इसका संचालन करने वाला है आगे, क्या होगा आंसर? चलिए वेरी गुड मनोज, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। ऐसी चीजें पढ़ते रहना चाहिए, याद रखना भी अच्छी बात है। बिल्कुल भागीरथी रिवर आपकी हो जाएगी यहाँ पर। देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, टेहरी बांध पर आपको यहाँ पर स्थापित करा जा रहा है क्या, वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया जा रहा है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए राइट आंसर आ भैया आईटीबीपी बनेगा आपका, भारतीय तिब्बत सीमा जो आपकी पुलिस बल है इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, आईटीबीपी की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, उसके डीजी कौन है, इसके प्रमुख कौन है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आईटीबीपी के द्वारा आपका वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो है स्थापित करा जा रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका किसके द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा।
ठीक है। इसमें आपका पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान स्वतंत्र रूप से आपका इस संस्था को आईटीबीपी चलाएगा, ठीक है। अब आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में तो इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1962 में इसकी स्थापना करी जाती है। वर्तमान में सुरजीत सिंह देसवाल जो है आपके इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं। ये कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल जी। चलिए आगे बढ़े। 24 अक्टूबर को आपका स्थापना होती है इसकी, 24 अक्टूबर 1962। एक बार क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं हम। मनुष्य में सामान्य रूप से ऑटोसोम की जोड़ों की संख्या होती है, आंसर दीजिएगा ऑप्शन देखकर, ठीक है। बिल्कुल आर्यन, आफ्टर इंडो चाइना वॉर आपके जो सिनो इंडियन वॉर भी उसको कहते हैं, उसके बाद आपका आईटीबीपी को यहाँ पर स्थापित करा जाता है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन अगर हम ठीक से देखें तो आंसर दे पाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए बिल्कुल अलका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए हम जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 23 पेयर हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। मनुष्य में सामान्य आपसे पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्टली अगर आपसे इस प्रकार पूछा जाता है तब हमारा आंसर होता है 46, यानी कि आपका 23 पेयर, यानी कि आपका यहाँ पर 23 जोड़े होते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑटोसोम। अब ऑटोसोम किनको कहते हैं भाई? आपका हमारे बाकी जितने भी गुणसूत्र सबको ऑटोसोम कहेंगे, केवल आपका सेक्स क्रोमोसोम को यानी कि आपका लिंग गुणसूत्र को यहाँ पर हटा के उसको हम ऑटोसोम नहीं काउंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑटोसोम क्या है आपका मेल एंड फीमेल में अलग होता है। फीमेल का एक्स एक्स हो जाएगा और मेल का आपका एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन जो दिया है डी वाला 22। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है और अगर एग्जाम में आता है अब आप लोग गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से तो एक आपका पेयर कैसा रहता है, आपका लिंग गुणसूत्र होता है हमारा, वो अलग क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं। अब उसको क्या कहा जाएगा, इनको कहेंगे ऑटोसोम, उसको कहेंगे आपका क्या एलोसोम। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, उसको क्या कहेंगे एलोसोम कहा जाता है आपका, ये क्वेश्चन भी देखने को हमें मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 करिएगा अब आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए जरूरी नहीं है बायो हम उस लेवल के पढ़े कि जैसे कि हमें 12th का एग्जाम देना है या फिर आपका बिल्कुल ही आपका बायो ज्यादा आने वाली है। एसएससी के एग्जाम में ज्यादा इतना डीप लेवल नहीं होता है साइंस का, इतना आपका रेलवे में देखने को मिलता है हमें, बहुत ज्यादा एसएससी में उतना नहीं मिलता है हमें। नॉर्मल आप छोटी मोटी चीजें पढ़ लेंगे उनसे आपका काम हो जाएगा साइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश है जो वित्तीय फर्मों से पर्यावरण जवाबदेही की मांग करने वाला, कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, करेंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपकी स्थिति क्या है, जो आपकी वित्तीय फर्म है यानी कि आपकी जो कंपनी है उनसे यहाँ पर आपका पर्यावरण के लिए जवाबदेही मांगी जाएगी भी आपका, यहाँ पर आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर पर्यावरण की आपदा आती है तो उसके लिए आपकी क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका इसका होगा हमारा न्यूजीलैंड, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। एक बार न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम बता देंगे आप सभी लोग कमेंट में, कल हमने डिस्कशन किया था भाई नाइट वाले सेशन में न्यूजीलैंड के बारे में कि भाई यहाँ पर आपका महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बारे में डिस्कशन किया था, कौन है भाई यहाँ की प्राइम मिनिस्टर और राजधानी क्या है, वेलिंगटन हो जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन डी तो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल जैसिंडा अर्डन हो जाएंगी यहाँ की आपकी, जैसिंडा अर्डन जो है यहाँ कौन हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसिंडा अर्डन यहाँ की कौन है, अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है जो कि 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत हैं। राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस कानून को बनाया गया, यहाँ पर आवश्यकता होगी बताने के लिए वित्तीय फर्मों को कि वे जलवायु संबंधित जोखिमों के अवसरों पर आपका किस प्रकार जो है मैनेजमेंट करने वाले हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम। न्यूजीलैंड ने काफी अच्छे से कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, भी काफी अच्छे से संभाला भी न्यूजीलैंड में काफी कोविड-19 को। चलिए दीपू जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका यहाँ पर एक राजधानी है और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनना स्वाभाविक है, आ जाते हैं कभी भी, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है किस राज्य की हमारी राजधानी रहेगी ये, जो कि नदी सी बात करी जा रही है, आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होगी, ऑप्शन देख कर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि आइजोल जो है किस रिवर के किनारे स्थित है, किस रिवर के आसपास, इस प्रकार क्वेश्चन आता है, बताइए आंसर। चलिए अब देखिए ऐसी चीजें एग्जाम में आती हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ही पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार फटाफट कॉपी पेन उठा लें सभी, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लें अभी के अभी, ठीक है। तो आइजोल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा,
ब्रह्मपुत्र गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी मैप में भी देखेंगे ब्रह्मपुत्र यहां से निकली भी नहीं है आसपास से भी। तो भाई इसका राइट आंसर अगर देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तलावंग जो आपकी, तलावंग जो रिवर आपकी रहेगी इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए पर दिया गया है, जो आपकी तलावंग रिवर है ये आइजोल, इस नदी आइजोल जो है इस नदी के किनारे पर स्थित है। किस राज्य की राजधानी है आइजोल, ये तो बताएंगे आप लोग, ये तो बता पाएंगे ना भाई किस राज्य की राजधानी है इसकी, जल्दी से बताइए मुझे याद नहीं, फटाफट बताएंगे किस राज्य की राजधानी होगी आपकी आइजोल, मिजोरम की होगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो लगभग 186 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई होगी, ठीक है याद रखिएगा, बिल्कुल मिजोरम की राजधानी है आइजोल, अरे वगैरह के ऊपर से निकलती हुई जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पर, मिजोरम की। अरे यार फिर से बफरिंग, चलिए अब ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा हो गई थी बफरिंग, चलिए अब ठीक दिख रहा है सबको, सारी चीज ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो दिया गया है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। मैप के थ्रू स्थिति समझ लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए ये है आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की, अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र आपकी यहाँ पर होते हुए ये निकल के जा रही है, ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र की हम बात करें तो इस प्रकार जाकर आपका यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर मिजोरम की कैपिटल ये रही आपकी आइजोल, ठीक है याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नाउ क्लियर, एंड अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दें जितने भी महापुरुष जुड़े हुए यहाँ पर फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिया है 9, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किससे दिया गया है, उम्मीद है आंसर दे पाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे भी सभी, तो भी मार्च 2021 में आपका 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, हमको देखिए मूवी याद रखना है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट आपका एक्ट्रेस याद रखेंगे, केवल तीन चीजें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बताएंगे आंसर। चलिए बिल्कुल 9 का आंसर क्या आ रहा है आपका, सी गलत हो जाएगा, सागर याद रखिए कंगना रनौत इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा ए पर दिया गया है, ठीक है जो ऑप्शन ए पर यहां पर दिया गया है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। पंगा और इनकी मणिकरण का मूवी है उनके लिए आपको इनको दिया जाता है ये कंगना रनौत को, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसकी बात करें तो 1954 से आपका इसको स्टार्ट करा जाता है, कब से 1954 से स्टार्ट किया जाता है। वहीं आपका सिनेमा के क्षेत्र में आपका एक और अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, वो रहेगा आपका सबसे बड़ा कहलाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो 1969 से आपका दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चलिए ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बेस्ट एक्टर में मनोज बाजपेयी जी रहेंगे और आपका धनुष जी रहेंगे, ठीक है तो बेस्ट एक्टर उनको जाता है और बेस्ट फीचर फिल्म भी याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए मलयालम की रहती है आपकी लायन ऑफ द अरेबियन सी, अभी तक देखी नहीं है, अच्छी होगी अवार्ड मिला है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, अब 10 करना है आप सभी लोगों को, अभी एक बार सेशन को लाइक करिएगा सभी और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मंदिर है आपका यहाँ पर, कौन सा मंदिर की बात करी जा रही है, कपालेश्वर मंदिर की बात करी जा रही है, किस भगवान को समर्पित है, पहली बात तो याद रखना तमिलनाडु में हमारा ये ऐसे मंदिर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए बृहदेश्वर वगैरह के मंदिर और काफी सारे मंदिर हैं आपके, राजा रानी वगैरह टेम्पल काफी बार पूछ लिए गए हैं, तो इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कहाँ पर है, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्टल अवार्ड भी मिलता है दीपिका पादुकोण को, हाल ही में आपका लेडीज की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, वो भी याद रखना है आपको, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। चलिए तो आपका जो है 10 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल लॉर्ड शिवा को समर्पित आपका रहेगा ये वाला मंदिर जो है, और किस वास्तुकला का उदाहरण, मंदिर आपके सामने है किस वास्तुकला से, कौन से आर्किटेक्चर से आपका बना हुआ है, आप लोग बताएंगे फटाफट कि भाई कौन से आर्किटेक्चर या कौन से वास्तुकला से आप यहाँ पर आपका रहेगा ये आर्किटेक्चर, कौन सा स्टाइल रहेगा, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएंगे। मंदिर को देखकर उम्मीद है आप सभी बता सकते हैं कि भाई कौन से जो है स्टाइल का ये एग्जाम्पल रहेगा हमारे सामने, बताइए। देखिए भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन डी पर दिया, बिल्कुल नाम से पता चल रहा है आपका, यहाँ पर ही क्वेश्चन एसएससी एमटीसी परीक्षा में आया हुआ है आपका कपालेश्वर मंदिर, आपका कपालेश्वर वैसे समझ में आ रहा है किसका होगा भाई, लॉर्ड शिवा महाकाल का होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन जो डी पर आपका दिया गया है, ठीक है। ये भी मंदिर आपका वैसा ही मंदिर रहेगा जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल का, आपका उसी प्रकार का मंदिर रहेगा, यहाँ पर आपका गैर हिंदू एंड आपका विदेशी पर्यटक का भी जाना मना है, ठीक है। चलिए साउथ इंडिया के ज्यादातर जो मंदिर हमें किस वास्तुकला के देखेंगे, द्रविड़ वास्तुकला के, बिल्कुल द्रविड़ियन के रखेंगे।
अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है अब आप लोगों को। जब तक आप लोग कमेंट देख लेते हैं कोई क्या कह रहा है अभी कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप सभी। चलिए बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है यहां पर आपसे। रिलेंटलेस निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है, करिएगा फटाफट से रिलेट किसकी होगी रिलेंटलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 करेंगे, यहां पर 11 का हमारा आंसर क्या होना चाहिए। रिलेंटलेस की बात आपसे करी जा रही है, यहां पर किसकी आत्मकथा है, अभी आती है 2019 में, अब आती है आपकी ये 2019 में आती है आपकी ये वाली। सही थरूर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर अलका जी, सत्तू थरूर गलत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो सी पर आपका दिया गया। हमारे आपके क्या रह चुके हैं, अभी वित्त मंत्री रह चुके हैं भाजपा सरकार के दौरान 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रहती है उस समय आपका वित्त मंत्री रह चुके हैं आपके यशवंत सिन्हा जी। 2018 में आपका बीजेपी से इस्तीफा भी दे रहे हैं आपके वहां से, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं आपकी यशवंत सिन्हा, इनकी आपकी रहेगी ये आत्मकथा रिलेंटलेस जो कि 2019 में आती, कब आती भी 2019 में आती है। चलिए क्लियर नहीं आ रहा निशा जी, आप क्या करें एक बार अपने फोन की स्क्रीन पर क्लिक करिएगा, 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड टॉप पे, तो वहां से क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो दिया गया है, बिल्कुल सी अगर आपका आ रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी ये यशवंत सिन्हा जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उम्मीद है सभी लोग आंसर दे देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आपका 1946 में आपकी पुस्तक आती है और 1942 से 44 या 45 के दौरान ये जो है जेल में लिखी जाती है, कहां पर जेल में, तो आपको बताना है भी कौन सी जेल होगी। क्वेश्चन ये नहीं है, आप लोग इसका सभी का आंसर पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो किस जेल के कारावास के दौरान जवाहरलाल नेहरू ये आपकी पुस्तक लिखते हैं, ये आपको बताना है। बताइए भी बिना ऑप्शन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दीजिए आंसर, कौन सी जेल होगी जहां पर आपका ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है, अभी बताएंगे भी कौन सी जेल होगी। इसका आंसर तो डी सभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 46 में आपकी पब्लिश करी जाती है और जहां तक माना जाता है कि 1942 से 44 के दौरान आपकी 44 या 45 के दौरान लिखी जाती है। सो पूछा आपसे जा रहा है कि कौन सी आपकी जेल होगी, कौन से कारावास के दौरान नेहरू जी इसको जो है लिखते हैं। चलिए लाहौर तो गलत हो जाएगा, कौन सी जेल होगी, नहीं तिहाड़ जेल नहीं होगी। देखिए याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। एक पुस्तक और रहेगी आपकी जो कि 1914 में आती है, आई थिंक भगवत गीता रहस्य करके बाल गंगाधर तिलक जी की, तो वो कहां पर आपका, वो मांडली जिले में, वो कहां पर लिखते हैं, मांडली जिले में नहीं जेल में, ठीक है, बर्मा यानी कि म्यांमार के अंदर, वो अलग चीज है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर अहमदनगर फोर्ट जेल। चलिए अब 13 करेंगे आप लोग सभी, 13 करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी बहुत पूछी जाती है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई माई ट्रुथ वो पूछी जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया, 13 विश्व टीकाकरण सप्ताह 2021 किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की एक पहल थी। देखिए कब मनाया गया आपका विश्व टीकाकरण सप्ताह, अगर इसकी बात करी जाए आप लोगों से, तो यहाँ पर इसकी डेट भी हमको याद रखनी है, पूछ सकता है आपसे किस माह में मनाई गई, तो भाई ये अप्रैल माह के अंदर मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह, यानी कि आपका यहाँ पर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की बात करी जा रही है। 2021 की अगर हम बात करें तो ये आपका किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल थी, दूसरी बात आपका ये किस मंथ में जो है मनाई जाती है, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसकी बात करें तो अप्रैल के माह में 24 से 30 अप्रैल, ठीक है, 24 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य आपका ये सप्ताह मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह, और टीकाकरण की खासकर अभी जरूरत भी हमें, बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा WHO, इसका जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थापना कब होती है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो भाई 7 अप्रैल को होती है, और 7 अप्रैल को फिर हम क्या मनाएंगे, अब स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हो रही है तो स्वास्थ्य रिलेटेड दिवस रहेगा आपका, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। 1948 में स्थापना होती है आपके WHO की, और वर्तमान में इसके आपके प्रमुख कौन रहेंगे भाई, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि इसके आपके प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे, बिल्कुल हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रमुख की बात करेंगे तो भाई कौन हो जाएंगे, क्योंकि 8वें इसके प्रमुख हैं, बताइए आंसर, ठीक है।
कौन है अभी वर्तमान में, पता होना चाहिए आपको, ऐसी चीजें बनती है एग्जाम में क्वेश्चन। तो 13 का आंसर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, टेड्रोस, याद रखिएगा। देखिए नाम तो उनका काफी बड़ा है। अलका जी बिल्कुल, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे सुझाव आपको दे दिया करें। देखिए टेड्रोस याद रखिएगा, इसके आपके प्रमुख रहेंगे जो कहाँ के, इथोपिया के हैं। कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं टेड्रोस, याद रखिएगा। ठीक है, टेड्रोस एडहनम आपके रहेंगे, लेकिन टेड्रोस हमें याद रखना है काफी है। टेड्रोस याद रखिएगा, टेड्रोस कौन है? WHO के आपके प्रमुख रहेंगे जो कि इथोपिया के हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे पहले प्रमुख कौन होंगे इसके, अगर पहले पूछ लिया जाए आप 1948 से जो बनते हैं आपके, तब आंसर आप लोग याद रखना है ब्रॉक क्रिशोम। तो ब्रॉक याद रखिएगा वहां पर, ठीक है, ब्रॉक क्रिशोम। 14 की ओर बढ़ेंगे अब आप लोग, सभी आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई 14 क्या कह रहा है आप लोगों से। 14 कहता है कि सीमा सड़क संगठन जो है हमारा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। और भाई हम BRO के बारे में भी बात कर चुके हैं, इसकी स्थापना कब होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, अभी हाल ही में लद्दाख में लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर आपका एक सड़क भी बनाती है, सबसे ऊंची रहेगी जो कि विश्व की पूर्वी लद्दाख में बनाती है, उर्मिलिंग करके आपका जो दर्रा है वहां पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं BRO के बारे में, स्थापना कब होती है, इसकी वर्ष 1960 में इसकी स्थापना करी जाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्तमान में इसकी अगर आपसे DG पूछे जाए, डायरेक्टर जनरल पूछे जाए, तब भी आप लोग आंसर बता पाएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऋषभ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो डी पर आपका दिया गया है वैशाली एस के वाशे, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों का डी आया है, बिल्कुल RN करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों का डी आया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा वैशाली। याद रखिएगा BRO की ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी इस पद पर। दूसरी बात इनकी, आप डीजे की बात, डीजी माफी डीजे नहीं, डीजी की बात करी जाएगी तब आंसर हमारा होगा राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके वर्तमान में महानिदेशक यानी कि प्रमुख होंगे। ठीक है, चलिए 1960 में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहां से हम दो चीजें डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। MP के जो एग्जाम है आपके उनमें तो ये भी पूछ लिया जाता है आपका यहाँ पर कि इसका उद्घाटन किस डेट को किसके द्वारा किया जाता है, जब आपका कंस्ट्रक्शन बिगिन यहाँ पर होता है, स्टार्ट होता है, उसकी बातें भाई करेंगे। पहले आप लोग आंसर करेंगे 15 का आंसर हमारा क्या होगा। इसकी बात करी जा रही है इंदिरा सागर बांध की बात करी जा रही है, मध्य प्रदेश में है आपका ये, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो किस नदी पर है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से आंसर करिएगा राइट आंसर हमारा क्या होगा। और डेली सुबह 9 बजे रात को 9 बजे दो सेशन आपकी चल रहे हैं फिलहाल, 9 AM एंड 9 PM। तो भाई क्या होगा आंसर, बिल्कुल चंबल, जितने भी लोग आ रहे हैं हाँ तो डाइए फटाफट से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चंबल पर आपका गांधी सागर बांध है, कौन सा गांधी सागर बांध है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है, यहाँ पर इस साइड रहेगा आपका। अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस प्रकार अगर स्थिति दिखे मध्य प्रदेश की, तो इस साइड रहेगा आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर आपसे खंडवा की बात करी जा रही है, किसकी, खंडवा की बात करी जा रही है, तो भाई ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी पर दिया गया, नर्मदा रिवर। तो भाई डी जितने भी लोगों का है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीपक बिल्कुल सी आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी किस पर है, नर्मदा पर है। बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश के कुछ डैम इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, लेकिन सरदार सरोवर तो आपका गुजरात के अंदर हो गया, वो भी नर्मदा रिवर पर है। और इस की बात करें तो भाई 23 अक्टूबर 1984 को जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही थी, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी यहाँ पर इसका उद्घाटन करती हैं, जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 23 अक्टूबर 1984 को। और 31 अक्टूबर को उनकी क्या हो जाती है भाई, हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 23 अक्टूबर जो कि आपके MP एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि इंदिरा गांधी जी MP में अंतिम बार कब आई थी, ये क्वेश्चन भी MP के परीक्षा में पूछा जाता है। तो भाई 23 अक्टूबर 1984 को इसका आपका स्टार्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इसका, नींव रखी जाती है वहां से। ठीक है, ओपन कब होता है आपका 2005 में, मार्च 2005 में आपका ये ओपन होता है। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल पर कौन सा है, अभी चंबल पर गांधी सागर जो अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में 2020 में पूछा गया था, चंबल पर कौन सा है, तो भाई गांधी सागर है, राणा सागर है, ये सारे आपके कहां पर होंगे, चंबल पे है। राणा सागर राजस्थान में होगा, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। सारी चीजें क्लियर है, मध्य प्रदेश की आपकी जीवन रेखा कही जाती है भी, आपकी सबसे बड़ी आपकी नदी रहेगी और लगभग जो है 1312 किलोमीटर लेंथ इसकी आपकी रहेगी। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से अमरकंटक से जो है निकलती है ये, खंबा की काड़ी अरविंद सीमा जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, सिंपल है, उम्मीद है सभी लोग फटाफट से आंसर दे देंगे। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, 16 आप सभी करेंगे यहां पर, क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए भाई, 16 आपसे कह रहा है कि वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट नामक पुस्तक 2021 में अभी आती है, ये पूछा जा रहा है किसकी एक ऑटोबायोग्राफी है। दीजिएगा भी कमेंट में फटाफट से सभी लोग राइट आंसर, इसका हमारा क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए बी की तरफ जा रहे हैं आप लोग, सही हो जाएगा भाई। तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे होंगे बिल्कुल। चलिए रवि एंड मनोज, आर्यन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ऋषभ, नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर डैम भी है आपका, तो ये एक ज्योतिर्लिंग भी है भारत का ओमकारेश्वर में। अब देखिए यहाँ पर हम 16 की बात करें, इसका राइट आंसर हमें अनुसारी हो जाएगा भाई, जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया। कुछ आपका विवाद भी रहा था जब ये पुस्तक आती है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करना जरूरी नहीं समझेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हमें अनुसारी। ये भाई दो कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं, 2007 से 17 तक उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया 17, आंसर करिएगा। आर्सेनिक की बात करी जाए, जो कि आपका क्या है, एक उपधातु है, तो इसका रासायनिक प्रतीक क्या है, और एटॉमिक नंबर ही बताना है भी आपको, दोनों चीज सिंपल है, फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि आर्सेनिक जो होता है इसका रासायनिक प्रतीक क्या है। चलिए देखिए 17 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 17 की हम बात कर रहे हैं, तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक आप लोगों से पूछा जा रहा है भी क्या है, ES होगा, AR नहीं, बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। सागर करेक्ट हो जाएगा, दीपक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंड RN बिल्कुल हो जाएगा आपका करेक्ट, AR गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यही आएंगे आपके सामने। तो कितना है भाई, AS है, एक धातु रहेगी आपकी, ठीक है, और एटमिक नंबर कितना है आपका इसका, 33 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है, एटमिक नंबर कितना है इसका भाई, 33 है, ES इसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर करिएगा। देखिए यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। अब देखिए जो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला, इसकी बात करी जा रही है, फॉर एग्जांपल हम ये वाला स्तूप ले लें, सांची का स्तूप ले लें, कोई भी स्तूप ले लें, तो यहां पर हमको एक चीज दिखती है, ये वाला जो आपका बॉक्स टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, इसकी बात करी जा रही है, बार बार यही पूछा जाता है, ये बॉक्स टाइप का जो रहता है ज्यादातर आपके जो बौद्ध स्तूप है उनमें हमें कॉमन ये देखने को मिलता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका इसको कहते क्या है, और एग्जाम में भी आ चुका है, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग 18 का। चलिए 18 का आंसर आप लोगों को करना है, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित ये जो पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा है, राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मंडपम नहीं होगा आपका, मंडप नहीं होगा, गर्भगृह नहीं होगा, ये सारे आप इसमें द्रविड़ वास्तुकला में देखेंगे, कुछ हमको नागर आपकी शैली में देखेंगे, ठीक है, मंडपम वगैरह। गोपुरम तो आपका है, ये किसका फेमस है, याद रखिएगा, द्रविड़ वास्तुकला का रहेगा ये, द्रविड़ वास्तुकला की जो मंदिर शैली है आपकी, द्रविड़ आर्किटेक्चर की, तो गोपुरम तो उसका बहुत प्रसिद्ध है, पूछा था। हर्मिका याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हर्मिका इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। ऑप्शन ये एग्जाम में क्वेश्चन ये एग्जाम में आपका देखने को मिलता है, हर्मिका जो ऑप्शन हमारा बी पर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा सांची का स्तूप देखें तो उसमें भी हर्मिका आपका रहेगा, सांची का जो आपका स्तूप है कहाँ पर है भाई आपका, ये मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर भी है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट रहता है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए हर्मिका याद रखिएगा, गोपुरम भी याद रखिएगा, किसका, द्रविड़ वास्तुकला का जो रहता है उसका एक चीज रहेगी आपकी, वो बहुत पूछा जाता है गोपुरम भी। अब भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शहर है जो गंगा नदी मार्ग पर नहीं पड़ेगा इनमें से, कानपुर, लखनऊ, पटना या प्रयागराज। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे आप लोग यहां पर 19 का आंसर करिएगा भाई सभी लोग, राइट आंसर हमारा यहां पर क्या बनने वाला है। चलिए आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में आते हैं तरह के क्वेश्चन आपके। चलिए तो फिर लखनऊ इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, तो कौन सी नदी होगी लखनऊ के आसपास, अगर हम बात करेंगे मूवी तो देखी होगी जॉली एलवी 2, तो भी राइट आंसर हमारे यहाँ पर लखनऊ बन जाएगा भाई बिल्कुल। जितने भी लोगों का ऑप्शन यहाँ पर बी आया करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रिवर रहेगी आपकी, यहाँ पर आपका वो कौन सा इंस्पेक्टर रहता है जॉली एलवी 2 में जो पहुंच जाता है इस नदी पर, कौन सी, गोमती नदी पर, गोमती रिवर। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन बी पर आपका दिया गया है, तो यहाँ से आपकी कौन सी, गोमती नदी भी इसके पास से निकली लखनऊ से, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम स्थिति देख लेते हैं भाई थोड़ी सी, तो भाई गंगा नदी तो ये आपकी हरिद्वार, मुजफ्फरनगर आपका इनसे होते हुए जाएगी, यहाँ पर कानपुर ये रहा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी वगैरह है, और ये कालीन भैया का मिर्जापुर साहिब, ठीक है। इसके अलावा आपका ये पटना से यहाँ से निकलती हुई जाएगी सारी चीजें, और यहाँ पर आपकी ये गोमती रिवर दिख रही, लखनऊ यहाँ पर कहीं रह जाएगा आपका, ठीक है।
लखनऊ इसके आसपास रह जाएगा, गोमती नदी के आसपास। तो ये चीजें आती हैं एग्जाम में, बनते हैं क्वेश्चन। गोमती रिवर याद रखिए, लखनऊ से पूछा जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, 20 करेंगे भाई आप लोग अब। बिल्कुल, सो 20 करेंगे आप लोग। यहां पर पूछा है राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो लेवल पर दिया जाता है शांति पुरस्कार, उसकी बात नहीं की जा रही है आप लोगों से यहाँ पर, ठीक है। वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यहां पर हमसे बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 20 की, कि आपका राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। चलिए क्या होगा आंसर, देखिए भाई 1985 में स्टार्ट होता है आपका ये वाला पुरस्कार, हमारी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर की उनकी स्मृति में स्टार्ट किया था 1985 में, और 5 लाख रुपए की इसमें आपकी राशि यहाँ पर दी जाती है। राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है भाई इंदिरा गांधी पुरस्कार 1985 से आपका इसकी स्थापना होती है 1985 में, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आपका ये दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी है वर्तमान, उसकी बात अगर हम पढ़ें तो उसके द्वारा आपका ये दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो 1986 से, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल इंदिरा गांधी पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय एकता नेशनल लेवल पर आपका रहेगा, इसकी बातें की जा रही है, ठीक है। वो इंटरनेशनल लेवल पर रहता है जो 1986 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, वो अलग चीज है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है आपकी जिसकी स्थापना होती है 1885 में आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, प्रेसिडेंट कौन है कांग्रेस, एक बार आप लोग कमेंट बताएंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी कॉपी पेन अपनी उठा सकते हैं, दो तीन चीजें अभी नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। निम्न में से भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, वो आप लोगों से पूछा है, गवर्नर जनरल या वायसराय, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताइए आंसर। पहला गवर्नर जनरल इस प्रकार की क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, तो क्या होगा राइट आंसर 21 का। और वर्तमान में कौन है भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाए तो कौन है। चलिए चलिए भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, काफी लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 21 की अगर हम बात करें, बिल्कुल सोनिया गांधी जी वर्तमान में। देखिए क्वेश्चन नंबर की अगर 21 की अगर हम बात करें यहां पर, राइट आंसर हमारा क्या होगा, जैसा कि काफी सारे लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है। बिल्कुल 1505 से आपका 9 तक रहता है, जो ऑप्शन हमारा दिया है ए पर अल्मीडा। अब देखिए इसके द्वारा आपका ब्लू वाटर की नीति भी लाई जाती है, क्वेश्चन एग्जाम बनता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, तो अल्बुकर्क जो कि आपका दूसरा गवर्नर या हम कहें वायसराय बनकर जो है आता है भारत के अंदर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि पूरा जो क्षेत्र है आपका हिंद महासागर का, ये पूरा क्षेत्र है, इस पर आधिपत्य या पर व्यापारिक आधिपत्य जारी करने के लिए आपका पुर्तगाली सरकार यहाँ पर भेजती है इनको, कि जाइए यहाँ पर आपका क्या करना है, आपका व्यापारिक पूरा जो व्यापार है आपको यहाँ पर कंट्रोल में लेना है, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन हमारा कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया आपका अल्मीडा आपके कौन रहता है भाई, आपका पहला रहेगा अल्बुकर्क आपका है जिसकी अगर हम बात करें तो ये दूसरा रहता है वास्तविक संस्थापक, इसी को माना जाता है सही तरीके से जो है आपका यही करता है पूरे जो काम रहते हैं वहां की जो ब्लू वाटर नीति उसमें फेल हो जाता है भाई आपका अल्मीडा, उस तरीके से नहीं रहता है सक्षम। इसके बेटे की भी मौत हो जाती है 1508 में एक वॉर में यहीं पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक ऑप्शन ए हो जाएगा, डी आपका दूसरा रहेगा। अब इसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन सुनिएगा ठीक से, भारत के अंदर अंतिम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तब हमारा आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाई अंतिम कौन रहा होगा आपका पुर्तगाली जो आपका वायसराय की बात करी जाएगी इंडिया के अंदर, तो याद रखिएगा यहां पर शलवा नाम याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, जो कि आपका 1961 में जब गोवा को आजाद कराया जाता है 18 दिसंबर 1961 को गोवा पर क्या चढ़ाई करी जाती है भारतीय सेना के द्वारा, और आपका वहां से खदेड़ा जाता है किसको, पुर्तगाली को, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं भैया आपके, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है, पुर्तगाली का गवर्नर जो आपका रहता है जनरल वर्सालो ई शलवा करके, तो उसने यहाँ पर क्या किया, समर्पण किया और निकल लिए कहाँ पर, अपने देश पुर्तगाल। कितनी दूर से यहाँ पर आए, 1961 तक यहाँ पर बसे हुए, समझ नहीं लगी इनको, तो खदेड़ना पड़ा यहाँ से, ठीक है, कहां से, गोवा से। चलिए
आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहां पर है पूछा जा रहा है। चलिए अपने को क्या करना भाई, कौन कितने साल का है, आप लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए 22 आपसे क्या कह रहा है यहां पर, उदयगिरी और खंडगिरी की जो प्रसिद्ध आपकी गुफाएं कहां पर है। अक्सर एग्जाम में बनता है ये वाला क्वेश्चन, करिएगा राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए देखिए राइट आंसर हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन जो डी पर दिया गया, उड़ीसा भुवनेश्वर के निकट आपके रहेंगी और जो राजधानी है उसी के आपके पास में स्थित है ये उदयगिरी खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, बी गलत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ गलत हो जाएगा, सागर याद रखिएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, पूछा जा रहा है आप लोगों से यहां पर यूडर्मा मैक्यूलेटम किसका नाम है, बताएंगे आंसर। चलिए क्या होगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका यहां पर क्या बनने वाला है। पूछा गया आपसे यूडर्मा मैक्यूलेटम जो है किसका नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है 23 जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए भाई 23 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है आपका ए पर, चमगादड़ वही कोरोना वाले, सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन ए पर आपका दिया गया है। चमगादड़ जो होते हैं बैट्स होते हैं, इनको आपका यूडर्मा मैक्यूलेटम कहा जाता है, साइंटिफिक नेम आपका रहेगा इनका ठीक है, क्या रहेगा इनका साइंटिफिक नेम रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा चील की बात करी जाए आप लोगों से ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई जो चील होती है इसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा स्प्लोगस्टर कहेंगे उसको, स्प्लोगस्टर याद रखिएगा। चूहे की हम बात करें रैट को रैटस भी कहते हैं ठीक है, इसका तो वही रहेगा रैटस हो जाएगा। इसके अलावा लोमड़ी जो है किसके अंतर्गत, कैनिडी जो होते हैं कैनिडी ठीक है, कनाडा ही नहीं कैनिडे, जो कि आपका दांत वो रहता है आपका जो खतरनाक रहता है चीन में पाने काम आता है कैनाइन, तो उसी फैमिली से आता है भी आपका लोमड़ी तो फॉक्स ठीक है। चलिए 24 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 जो क्या कह रहा है आपसे, वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नवधन्य आंदोलन स्टार्ट करा गया था आपका, नवधन्य मूवमेंट स्टार्ट की गई था आपका, स्थापना करी गई थी इसकी, तो किसके द्वारा की गई थी। चलिए 24 करना है अब आप लोगों को, राइट आंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा, और ये जो क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा 24 को ठीक है, कि भाई आपका नवधन्य आंदोलन जो है आपका चलाया गया था। देखिए मुख्य रूप से ये चलाया जाता है जो आपका यहाँ पर 1987 में भारत के कुछ राज्य रहते हैं लगभग आपके 18 राज्य, भूटान हो गया, भूटान सहित आपका भारत के 18 राज्यों में स्टार्ट करा जाता है, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है डी दिया है करेक्ट हो जाएगा ठीक है। वंदना सिब इसका हमारा सही आंसर हो, मेधा पाटकर याद रखिएगा, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में 1985 में स्टार्ट किया जाता है आपका, कब 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया जाता है यहाँ पर, और सरदार सरोवर जो डैम वर्तमान में हम देख रहे हैं काफी बड़ा जो डैम है नर्मदा रिवर पर, इसको जो है रोकने के लिए स्टार्ट किया जाता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर जो है आपकी उसकी प्रेरणा रहती है। लेकिन यहाँ पर बात की गई आप लोगों से किसकी, वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नवधन्य जो आपको मूवमेंट स्टार्ट किया स्थापना की गई थी, वंदना सिब याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा, बिल्कुल भाई क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में ये वाला, और भारत के कई राज्य रहते हैं इसमें, इसके अलावा आपका 20 बैंकों की स्थापना करी जाती है यहाँ पर, और इसके अलावा जो आपके चक्रवात सुनामी वगैरह आती हैं इसके, और नेपाल में भी आपका जो विनाशकारी भूकंप जैसी आपदा आती है वहां के किसानों के लिए आशा के बीज वितरित किए जाते हैं यहाँ पर ठीक है। तो आपको हमें याद कितनी केवल चीजें यहाँ पर क्या क्या रखना है ओनली अपने एग्जाम की दृष्टि से, कि भाई कब हुआ था स्थापित आपका 1987 में, और कौन थे भाई इसके प्रमुख, याद रखिए वंदना सिब, काम चल जाएगा अपने इतने में। चलिए 25 करेंगे आप लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो आंसर दीजिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स की दौड़ में यहां पर 0.01 सेकंड से कांस्य पदक प्राप्त करने में असफल रहती हैं, बताएंगे आंसर। चलिए बताएंगे राइट आंसर यहां पर, क्या होगा आंसर, ब्रॉन्ज मेडल से मिस हो जाती है आपके यहाँ पर, एक लॉस हो जाता है भी हमारा, क्या हो जाता है हमारा लॉस हो जाता है, तो कहां पर हुए होंगे आपके 1984 के जो ओलंपिक हैं लॉस एंजलिस में ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है, पयोली केरला में इनका जन्म होता है, तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जानते हैं हम, पीटी उषा को, बिल्कुल
याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1984 के जो ओलंपिक कहां पर होते हैं भैया, आपके लॉस एंजलिस में आपके यहां पर होते हैं ये, ठीक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो सी दिया गया करेक्ट हो जाएगा, 1984 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा गया आप लोगों से प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद के द्वारा महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी, बताएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है। चलिए चलिए सभी आंसर देंगे जितने भी लोग जुड़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। चलिए काफी लोगों का यहां पर आंसर आने लग रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, नोट करके रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बाद में रिवीजन करते रहिएगा, बाकी आपको एक दोबारा क्लास में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा होता है कि उच्च न्यायालय जो है आपका हाई कोर्ट जो है सिक्किम हाई कोर्ट की बात करेंगे, बात होगी यहां पर 2011 की, ठीक है। 2011 में अगर हम बात करें यहां पर 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के 29 जुलाई को उससे पहले ही आपका क्या करते हैं ये इस्तीफा दे देते हैं 29 जुलाई 2011 को। फिर से बफरिंग, चलिए ओबीएस डिसकनेक्टेड, चलिए अब ठीक है। सो क्वेश्चन फिर से बात करते हैं इसके बारे में शुरू से, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो 26 की बातें हम कर रहे थे यहां पर। सो प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद के द्वारा आपका महाभियोग की कार्रवाई स्टार्ट करी जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन जो दिया है बी, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? पीडी दिना कारण, और कोई कारण तो रहा होगा भाई यहां पर, इनका कारण रहता है भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और राज्यसभा में भी आपका यहाँ पर ये चलता है, आपका कार्रवाई पूरी हो जाती है उससे पहले ही आपका ये 29 जुलाई 2011 को इस्तीफा दे देते हैं बिना कारण जी। जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया है, न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरण कहां के हैं भाई? सिक्किम हाईकोर्ट के। 2011 में होता है आपका ये कांड, कब होता है? 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट, पहले आपके कोई हाईकोर्ट के चीज जैसे रहते हैं जिनके खिलाफ आपका ये कार्रवाई पूरी होती है। वहीं हम ऑप्शन सी पर जो देख रहे हैं ये पहले जज होते हैं, ठीक है, कोलकाता के आपके जज होते हैं ये, पहले ऐसे जज जिनके खिलाफ आपका ये कार्रवाई जो है होती है। अगर आपसे जज पूछा जाए तब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, एंड ज्यादातर क्वेश्चन यही बनेगा चीफ जस्टिस का, तो वो याद रखिएगा आपका पीडी दिनाकरण सिक्किम हाईकोर्ट 2011, ठीक है। चलिए क्लियर है सारी चीजें यहां तक, और सेशन हमारा यहां पर होता है एंड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका पीड़ी देना कारण, और भाई सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से रात्रि 9 बजे मुलाकात होगी 9 PM एक डिफरेंट और बेहतरीन सेशन के साथ अन अकेडमी पर। तो जिन भी साथियों के पास अन अकेडमी ऐप नहीं है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनको आप अनलॉक कर पाएंगे एसपी स्टडी कोड के साथ, ठीक है। इस कोड के साथ सारी क्लासेस को आप जो है क्या कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे। चलिए ऋषभ जी कह रहे हैं कुछ चेक करना है, क्या चेक करना है बताइए आप। उसका ए नहीं होगा, पीडी देना कारण सही हो जाएगा। 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के आपके चीफ जस्टिस रहते हैं, उनके खिलाफ आपकी ये कार्रवाई होती है और वो इस्तीफा भी दे देते हैं अपने पद से उससे पहले ही, ठीक है। चलिए इस चीज की बात करें कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे, बताइए तो जरा। यहां पर हमारा राइट लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अनअकैडमी पर आप लोग जुड़ जाएगा भाई, रात को 9 बजे सेशन चलता है डेली, और यूज करिएगा एसपी स्टडी कोड फर्स्ट टाइम। अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहेंगे तो ये कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल जितने भी लोग आज सेशन में जुड़े, मुलाकात होगी आपसे यहाँ पर यूट्यूब पर डेली 9 बजे यानी कि 9 AM मुलाकात होती है, और रात को अनअकैडमी पर 9 PM, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल जितने अभी लोग, बिल्कुल सिक्किम हाईकोर्ट की बात बहुत सही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। पीडी दिना कारण रहेंगे आपके, चीफ जस्टिस की बात करी जा रही है यहां पर आपसे हाईकोर्ट की, ठीक है। बिल्कुल सुप्रियो, बिल्कुल आप कर पाएंगे हिंदी में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, आप लोगों के पास हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, जो आप चूज करना चाहें एग्जाम हॉल में चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक
है। चलिए दिया होगा, हो सकता है बाय मिस्टेक वहां पर आपका दिया हो, लेकिन आपका वो आंसर बिल्कुल सही है, मैं श्योर हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, जितने भी लोग जुड़े हैं। और तो आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अनअकैडमी पर जुड़ेंगे तो वहां से डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, तो अनअकैडमी में जुड़ जाएं मेरे साथ, लिंक आपको प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन